जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास टेंथ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है बेटा। और इसी के साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। आ जाओ बेटा, आज देखेंगे प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 21 से एक एक क्वेश्चन बाबू, और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी आज खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा बाबू, कह रहा है 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी क्या है बेटा, एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई के लिए क्या कह रहा बेटा कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, मतलब गहराई कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई जो बी दिया है बेटा, क्या दिया है, नहर की चौड़ाई, ठीक है बेटा। नहर की चौड़ाई मान लिया बी बराबर 6 मीटर। उसके बाद क्या बोला बेटा, गहरी मतलब ऊंचाई मान लेना, ठीक है, गहरी बोला है तो ऊंचाई मान लेना गहरी, h बराबर बेटा 1.5 मीटर, यही बोला है 1.5 मीटर गहरी, ठीक है बेटा। पानी की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पानी की चाल कैसे बेटा, नहर में जो पानी जा रही है उसकी चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बाबू। पानी कितने देर तक जा रही है, आधे घंटे तक जा रही है, 30 मिनट मतलब आधे घंटे में, आधे घंटे में पानी की चाल कितनी होगी बेटा, या आधे घंटे में गया पानी कितना होगा बेटा, आधे घंटे में गए पानी कितना होगा बेटा, होगा 10 × 1/2, आधा मतलब कितना होता बेटा 1/2, मतलब यहां पे 5 किलोमीटर, हाँ 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। आधे घंटे में कितना होगा 5 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल दो तो पानी की जो गहराई होगी मतलब बेटा चाल होगी, देखो जैसे एक नहर है, नहर कैसा होगा बेटा, उसमें नहर में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो मतलब अगर समझा जाए तो नहर कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाया जा रहा है, ठीक है बाबू। तो इसकी हमें क्या पता है, चौड़ाई पता है, बी दिया है बेटा चौड़ाई पता है, ऊंचाई गहराई पता है मतलब ऊंचाई पता है, ठीक है बेटा। कितना गहरा है, नीचे से कहो कितना ऊंचा है, बात सेम है। तो बाबू यह लंबाई पता होना चाहिए, तो बेटा आधे घंटे में कितना पानी जाएगा, इतना यहां से यहां तक का पानी जाएगा, यही होगा बेटा क्या, लंबाई। तो कितना जा रहा है बेटा, जा रहा 5 किलोमीटर, तो मान लिया यह क्या हो जाएगा, पानी की लंबाई या ऊंचाई एल बराबर कितनी होगी बेटा, कितना होगा, हो जाएगा कितना 5 × बेटा इसमें 100 × 1000, हाँ कितना बेटा, इसको मीटर में बदल देना, 1000 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5000 मीटर, 5 × 1000 कर दोगे 5000 मीटर हो जाएगा बेटा, कितना इस नहर की लंबाई में इतने दूर में पानी जा रही है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू नहर में पानी का आयतन निकाल लो, इतने टाइम में नहर में पानी का आयतन, तो नहर में पानी का आयतन क्या होगा बेटा, नहर में पानी का आयतन क्या होगा मेरे लाल। अब देखना एक चीज बाबू, नहर कैसा घनाभ के आकार का है, तो पानी का आयतन हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, तो 5000 और गुड़े 6 × 1.5 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बाबू यहां से 1 कम कर रहे हैं तो यहां से 1 0 कम हो जाएगा, 5 × 0 × 6 × 15, ठीक है, 15 × 6 = 90 और 9 × 5 = 45 कितना हो जाएगा बेटा 45000, गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है बाबू। क्या नहर में पानी का आयतन इतना मीटर क्यूब, मीटर में आया ना बाबू, तो नहर में पानी का आयतन आधे घंटे में जो होगा 45000 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है बाबू, नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, तो बेटा जो क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा तो खेत की मतलब नहर है, पानी जा रहा है तो बेटा क्या सींचेगा, यह खेत सींचेगा, और खेत की ऊंचाई दिया है बेटा कितना, खेत में पानी की ऊंचाई दिया है, कितना दिया बेटा, खेत में पानी की ऊंचाई मान लिया बेटा कैपिटल एच बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो कैपिटल एच बराबर 8 सेंटीमीटर को हम लिख सकते बेटा
8 बटे 100 ये हो जाएगा मीटर, क्योंकि सब मीटर में, तो इसको भी बेटा उठा के हम मीटर में कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अगर किया जाए चलो ठीक है। अब बाबू क्या खेत में पानी का आयतन निकाल लिया जाए, तो खेत में पानी का आयतन क्या होगा बेटा, उसमें भी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, क्योंकि बेटा खेत भी एक घनाकार ही होगा। देखोगे उसमें कुछ लंबा चौड़ा खेत होगा, पानी कुछ ऊंचाई तक रहेगी, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है बेटा, तो खेत में पानी कितना होगा, जितना नहर से पानी जाएगा, खेत में उतने पानी जाएगा ना बेटा, मतलब होगा जितना नहर से पानी उसमें जाएगा, तो नहर में पानी का जो आयतन होगा खेत में पानी के आयतन के बराबर होगा। तो क्या होगा बेटा, खेत में पानी का आयतन क्या होगा बेटा, हो जाएगा नहर में पानी का आयतन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो खेत में पानी का आयतन क्या होगा बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कैपिटल मान ले रहे हैं बेटा एल इंटू बी इंटू एच, बराबर नहर में पानी का आयतन बेटा यहां पे हम निकालें कितना है 45,000 मीटर क्यूब, तो डायरेक्ट यही मान उठा के रख दो 1, 2, 3। तो बाबू एल इंटू बी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना है 8/100 बराबर 45,000, तो क्षेत्रफल जो होगा बाबू वो हो जाएगा 45,000 गुणे 100 बटे में, इधर आएगा गुणे में बटे 8, इतना आप लोग कर लोगे बेटा, इतना आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इतना करके बाबू क्या करना, गुणा भाग कर लेना, कर लोगे ना, जैसे अगर हम काट दें यहाँ पे तो 2 चौक 8, 25 चौके 100, 25 हो जाएगा बेटा, यहां से काटोगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 एक बचा 2 पचे 10 00। ठीक है बेटा, तो 225 00 गुणे 25, तो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा कितना 225 00 और गुणे 25 मीटर क्यूब, ये बेटा पानी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू गुणा करोगे, अगर इसका गुणा करोगे तो लगभग आएगा 5625 00 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा बेटा इसका क्या, खेत में पानी का क्षेत्रफल, मतलब कितने खेत का क्षेत्रफल, जितने खेत में पानी जाएगा उसका पूरा क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हेक्टेयर में पूछा होगा बेटा, इसमें क्या करना, 10,000 से भाग दे देना, आ जाएगा बेटा हेक्टेयर में 56.25 हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हेक्टेयर में लिखना होगा तो हेक्टेयर में लिख देना, नहीं तो मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा 56.25 00, यही होगा बाबू क्या इसका आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटाएंगे। ठीक है बेटा, चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार पाइप के माध्यम से पानी 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक खाली बेलनाकार टंकी में जा रही है। बेटा पानी जो जा रही है खाली बेलनाकार टंकी में जा रही है, ठीक है, और क्या कह रहा है बेटा, खाली बेलनाकार टंकी में जा रहा है जिसकी आधार त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, आधे घंटे के बाद टंकी में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, आधे घंटे बाद पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो पानी जा कितना रहा बेटा 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है कोई बात नहीं, तो करोगे बेटा तो टंकी में पानी का आयतन जो होगा बेटा पाइप में पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा, तो बेलनाकार पाइप की त्रिज्या निकाल लो बाबू। ठीक है, बेलनाकार पाइप की त्रिज्या, बेलनाकार पाइप की त्रिज्या स्मॉल आर ले लेना बेटा, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, शायद कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और क्या बोला बेटा 1 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार पाइप के माध्यम से 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से, बेटा चाल कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या बोला है बाबू,
टंकी में जा रहा 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से टंकी में जा रहा है, जिसकी आधार की त्रिज्या, टंकी की त्रिज्या दिया बेटा 40 सेंटीमीटर, यही दिया ना। तो टंकी की त्रिज्या मान लिया बेटा कैपिटल आर मान लेना, ठीक है। टंकी की त्रिज्या कितना बेटा हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर 40 सेंटीमीटर। पानी की चाल कितना बेटा, 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही बोला है। पानी की चाल, पानी पाइप से जा रहा है बेटा, तो पानी की चाल बराबर 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बेटा 80 सेंटीमीटर एक सेकंड में जा रहा है, एक मिनट में पानी की चाल निकालो तो 80 गुणे हम क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, ठीक है। एक मिनट में गया पानी, निकालो बात खत्म। एक मिनट में गया पानी कितना होगा बेटा, 80 है गुणे 60, एक मिनट में 60 सेकंड होता है बेटा, 8 × 6 = 4800, हाँ 4800 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, एक मिनट में कितना जाएगा, 48 जाएगा, और नहीं तो काटने पीटने की झंझट ही नहीं, इतने पे छोड़ दो, 80 × 60 सेंटीमीटर। कितने देर तक बोला है बेटा, बोला है कि आधे घंटे तक, मतलब 30 मिनट में गया पानी निकाल लो, तो 30 मिनट में गया पानी, और जितना पानी जाएगा बेटा पाइप की लंबाई वही मान ली जाएगी, ठीक है। यल या एच इसको मानना, पाइप है तो एच मानना क्योंकि ऊंचाई लेंगे, और क्षेत्रफल होता तो बेटा यल मान लेते, ठीक है। तो 30 मिनट में गया पानी, 30 मिनट में पाइप से गया पानी कितना होगा बेटा, मान लिया इसको एच, ठीक है। 80 × 60 × 30 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। तो क्या पूछा है आगे, आधे घंटे के बाद टंकी में पानी की स्तर कितना बढ़ जाएगा, मतलब ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आधे घंटे में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, तो मतलब हमें टंकी में पानी का आयतन निकालना है बेटा, बराबर कर देंगे बेलनाकार पाइप में पानी का आयतन, ठीक है बाबू। टंकी में पानी का आयतन बराबर बेटा बेलनाकार पाइप में पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन बेटा पाई, टंकी बेलनाकार है उसका क्या होगा आयतन बेटा पाई, कैपिटल आर उसकी त्रिज्या माने हैं, कहां गया बेटा कैपिटल आर माने हैं, तो पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई बेटा कितना स्मॉल एच माने, तो इसकी एच मान लेना कैपिटल एच, बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बेटा आर स्क्वायर कितना है 40 है, तो 40 × 40 और गुड़े एच, आर कितना बेटा एक है, एक गुड़े ऊंचाई कितना बेटा 80 × 60 × 30 लेंगे, ठीक है। तो एच बराबर कितना होगा, एच बराबर होगा एक का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 80 × 60 × 30 / 40 × 40 इतना कर लोगे बेटा, इतना आराम से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 40 × 80 और बेटा देखो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 40 = 20 × 60, 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 30 × 3 = 90, एच बराबर 90 सेंटीमीटर आ रहा है लगभग। कितना आएगा बेटा ऊंचाई उसकी, जो पानी की स्तर बढ़ेगी 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी टंकी में, ठीक है। यही हो जाएगा बेटा उसका पास बढ़े पानी का स्तर, मतलब 90 सेंटीमीटर तक टंकी में पानी बढ़ जाएगा ऊपर, यही होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बाबू, इसको मिटाएं। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। 23वां क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा हो, कितने समय बाद पूरा टंकी भर जाएगा, ठीक है बेटा। एक क्या करता है, किसान है बेटा, एक टंकी है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी, एक किसान है बेटा उसके खेत में एक टंकी बना है जिसका व्यास 10 मीटर है और गहराई कितना है 2 मीटर है, ऐसे कुछ होगा बेटा, व्यास चौड़ा है गहराई कम है, तो ऐसे कुछ होगा, ठीक है बेटा।
ऐसे कुछ उसके खेत में टंकी बना है जिसका व्यास 10 मीटर है और गहराई कितना बेटा 2 मीटर है, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको क्या कर रहा बाबू, व्यास 10 मीटर और गहराई 2 मीटर, ठीक है, आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप एक नहर से जोड़ता है। ठीक है बेटा, आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप नहर से, ऐसे कोई पाइप होगा बेटा जिसका आंतरिक व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर वाले, किसी नहर से उठा के जोड़ ओड़ दिया होगा, तो उससे पानी लेके आ रहा है बाबू इसमें, कितने टाइम बाद टंकी पूरा भर जाएगा। यही पूछा है ना कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रहा पानी तो कितने समय बाद टंकी पूरा भर जाएगा, यह भी दिया बेटा कितने चाल से बह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटे से कितने समय बाद भर जाएगा, तो कितना पानी आएगा बेटा एक घंटे में 3 किलोमीटर। ठीक है, पाइप की लंबाई 3 किलोमीटर लेंगे एक घंटे में। ठीक है, तो बेलनाकार टंकी का व्यास कितना दिया है बेटा 10 मीटर। ठीक है, बेलनाकार टंकी का व्यास बेटा कितना दिया है 10 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई कितना बोला है बेटा 2 मीटर, तो ऊंचाई ले लेंगे बेटा एच बराबर 2 मीटर हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। पाइप का व्यास कितना बोला बेटा 20 सेंटीमीटर बोला है, यही बोला है बेटा 20 सेंटीमीटर। तो ठीक है, बेलनाकार पाइप का व्यास, पाइप तो ऐसे बेलनाकार ही अधिकतर होता है बेटा, बेलनाकार पाइप का व्यास कितना हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर बेटा 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दो तो आर बराबर 10/100, मतलब इससे कट जाएगा 1/10 मीटर। बेलनाकार टंकी का व्यास होगा बेटा, त्रिज्या होगी 1/10 मीटर हो जाएगा। पानी की चाल दिया बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बोला है बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे बेटा। पानी की चाल कितना दिया बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बेटा मीटर में बदलोगे 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लोगे बेटा। दूरी बेटा निकालना, दूरी क्या होता, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय निकालना हमें, तो दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है बेटा समय होता है। तो ठीक है, तो दूरी बराबर कितना होगा बेटा, दूरी चाल निकाले बेटा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय मान लिया टी, चाल कितना है 3000 गुणे टी हो जाएगा 3000 टी, ये हो जाएगा बेटा दूरी, इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। यही जो दूरी होगा बेटा, यही पाइप की लंबाई हो जाएगी या पाइप की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, टंकी में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेटा पाइप में पानी का आयतन, वहां से करोगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पाइप में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा टंकी में पानी का आयतन, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइप में पानी का आयतन बराबर टंकी में पानी का आयतन, तो बेटा इसका इस्तेमाल नहीं, कैपिटल आर माने हो पाई, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसको माने हो बेटा कैपिटल एच बराबर ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर का मान कितना आया बेटा आर, आर का मान 1/10 आया, तो 1/10 गुड़े बेटा 1/10 गुड़े एच, एच कितना है 3000 है बेटा, 3000 गुड़े टी, इसकी आर कितना बेटा 5 है, तो 5 गुड़े 5 एच कितना बेटा, एच है 2, तो टी निकालना है बाबू, तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, टी बराबर 5 गुड़े 5 गुड़े 2 दोनों बेटा 10 इधर आएगा, 10 गुड़े 10 और बटे बाबू 3000। ठीक है, अब इतना कर लोगे, देखो इससे यह कैंसिल इससे यह कैंसिल खत्म बेटा, और 15 दूनी 30 और 5 3 15 टी बराबर 5/3 घंटा था बेटा, तो क्या होगा इतना घंटा हो जाएगा, बात खत्म, घंटा दिया था ना किलोमीटर प्रति घंटा, तो टी बराबर हो जाएगा 5/3 × 60 ये हो जाएगा बाबू मिनट, क्या करेंगे घंटे में 60 से गुणा कर देंगे और मिनट में चेंज हो जाएगा, तो 20 3 60 ठीक है बाबू, 20 5 100 टी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 100 मिनट हो जाएगा, या तो 100 मिनट लिखना बाबू
या तो 5/3 घंटा लिख देना, ठीक है। दोनों आंसर क्या है, सही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 23 नोट करो, अब चलेंगे बाबू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 को भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर लो। हो गया बेटा, चलो ठीक है। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, व्यास 5 मिलीमीटर वाले एक बेलनाकार पाइप के माध्यम से पानी 10 मीटर प्रति मिनट की दर से बह रहा है, ठीक है बेटा। पानी बह रहा है कैसे, पानी का जो है बेटा 10 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, कि दर से बह रहा है। आधार व्यास 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर गहरे एक शंकु के आकार के बर्तन को पाइप से भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो बेटा पाइप से भरने के लिए एक शंकुआकार बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, एक शंकुआकार बर्तन है बेटा, उल्टा शंकुआकार होगा तभी इसमें पानी रुकेगा, ठीक है बेटा। हम उल्टा बना रहे हैं, हो सकता है सीधा ही रहा हो, ऊपर से स्पेस बना दिया भरने के लिए, पाइप ला के लगा दिया वैसे, ठीक है बाबू। इसका व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, कितना दिया है और ऊंचाई कितना दिया है बेटा, आधार व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, इसको भरना है। तो शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना हो जाएगा बेटा, 40 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच मान लेना है बेटा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या करना है बाबू, पानी से भरना है। पानी से भरने में कितना समय लगेगा, जो कि पाइप से आ रहा है जिसका व्यास 5 मिलीमीटर है और कितना बेटा 10 मीटर प्रति, हाँ 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी क्या कर रहा है, आ रहा है। तो ठीक है बाबू, 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी आ रहा है, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा निकाल लेते हैं, ठीक है बाबू। चलो अब यहां पे अगर करोगे तो एक काम करो, पाइप बोला है बेटा व्यास 5 मिलीमीटर वाले, तो पाइप का व्यास 5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो पाइप का व्यास बोला बेटा, पाइप का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर यही बोला है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं 5/2 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। इसको सेंटीमीटर में बदल दो, आर बराबर 5/2, और इसमें बेटा 10 का बटे में गुणा कर देना, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो आर बराबर 5/5, 10 × 2 = 20, 5 × 4 = 20, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो क्या करो, शंकु में पानी का आयतन निकाल लो, ठीक है। तो शंकु में पानी का आयतन निकाल लेना, ठीक है। शंकु में पानी का आयतन निकालोगे कितना होगा बेटा, शंकु का 1/3 πr² h, तो 1/3 πr² h यही होगा बेटा शंकु में पानी का आयतन। 1/3 पाई आर कितना है बाबू, 20 है, तो 20 × 20, h कितना है 24 है, तो 24, 8 × 3 = 24, ठीक है बेटा। 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 32, 3200 πसेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा बेटा शंकु में पानी का आयतन। अब एक मिनट में बेलनाकार पाइप का आयतन कितना होगा बेटा, एक मिनट में बेलनाकार पाइप का आयतन, लेकिन उसके पहले बेटा बेलनाकार पाइप में पानी की चाल निकाल लेना, ठीक है। तो पानी की चाल कितना है बेटा, 10 मीटर प्रति मिनट, ठीक है बाबू। इसको 100 से गुणा कर दो, 1000 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो बेलनाकार, एक मिनट में बेलनाकार पाइप का आयतन निकाल लो बेटा,
और जो ये होगा यही बेटा इसका लंबाई हो जाएगा या ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल एच मान लेना। क्या करना बेटा इसको, कैपिटल एच मान लेना, ये हो जाएगा। तो एक मिनट में बेलनाकार पाइप द्वारा पानी का एक मिनट में बेलनाकार पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन कितना होगा बेटा, पाई कैपिटल माने हो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच हो जाएगा बाबू, कितना होगा देखना, पाई तो पाई है, आर कितना है बाबू, पांच बटे एक बटे कहा गया, एक बटे चार है, देखो आर आया बेटा एक बटे चार, तो एक बटे चार का स्क्वायर मतलब एक बटे चार गुणे एक बटे चार, और एच कितना बेटा एक दो तीन, हाँ 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आ जाओ क्या निकालना, शंक्वाकार बर्तन को भरने में लगा समय, तो ठीक है बाबू शंक्वाकार बर्तन को भरने में लगा समय, एक काम करो इसको करोगे बाबू कितना आएगा, लगभग इसको 250 चार गुणा करोगे 1000 होगा, दो दूनी चार और 125 हो जाएगा बेटा, इसको काटोगे 65 दूनी 130 62 दूनी 124 62.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शंक्वाकार बर्तन बर्तन को भरने में लगा समय निकाल लेंगे बेटा, शंक्वाकार बर्तन को भरने में लगा समय, तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन बटे क्या होगा बेटा, बेलनाकार पाइप द्वारा निकले पानी का आयतन, तो क्या होगा बेटा शंक्वाकार बर्तन का आयतन बटे बेटा पाइप का आयतन जो निकाले, ठीक है पाइप का आयतन हो जाएगा 300 पाई बटे 300 ही आया था ना बेटा, 3200 आया था सॉरी, 3200 पाई बटे 62.5 पाई, इससे कैंसिल बेटा और एक दशमलव हटाओगे बेटा एक जीरो ऊपर क्या होगा बढ़ जाएगा, उसके बाद काट दोगे लगभग आएगा बाबू 51.2, 3200 गुड़े बेटा देखो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का गुड़ा होगा 625, जब पूरा टोटल सॉल्व करोगे तो 51.2 कितना आएगा बेटा लगभग 2 के करीब आएगा, इतना मिनट आ जाएगा, ठीक है बेटा 51.2 मिनट, या इसी को लिखेंगे बेटा 60 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51 मिनट और 12 सेकंड, 6 दूनी 12, हाँ कितना होगा बेटा, या इसी को लिख सकते हैं 51 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है बेटा, कब जब इसमें 60 से गुणा कर दोगे निकल जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ये पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीमाओ 22 मीटर 20 मीटर वाली एक छत से वर्षा का पानी एक बेलनाकार बर्तन में जा रहा है, बेटा एक छत है जिसकी बीमा है कितना 22 मीटर और 20 मीटर, मान लिया छत की लंबाई बेटा, छत की लंबाई कितना बेटा, छत की लंबाई यल बराबर 22 मीटर, चौड़ाई बेटा 20 मीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लोगे तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है, छत की लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया, ऊंचाई बेटा नहीं दिया, ऊंचाई मान लिया एच मीटर, ठीक है बेटा ऊंचाई बराबर एच मीटर, और क्या कह रहा बेटा, बेलनाकार बर्तन में जा रहा है जिसका आधार व्यास 2 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर, बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया बेटा, बेलनाकार बर्तन का व्यास 2 मीटर, तो बेटा इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है, और क्या दिया बेटा ऊंचाई 3.5 मीटर, तो ऊंचाई कितना एच बेटा, कैपिटल एच मान लेना इसको 3.5 मीटर,
ठीक है बेटा, हो गया। यह छत पर एकत्रित वर्षा के पानी से बेलनाकार बर्तन ठीक ठीक भर जाता तो सेंटीमीटर में वर्षा ज्ञात कीजिए। मतलब छत पर कितना पानी था बेटा, वो सेंटीमीटर में ज्ञात करना। तो छत पर पानी का आयतन बराबर बेटा बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन कर लो, ठीक है। तो छत पर पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, ठीक है बेटा। तो छत पर पानी का आयतन बेटा, छत में लंबाई होती चौड़ाई होती है, पानी बरसा है, बारिश हुई है, कुछ ऊंचाई तक पानी भर गया है, तो कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, बेलनाकार बेटा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच मान है, ठीक है। अब इसमें बाबू तुम लोगों को उठा के मान केवल रख देना है, ठीक है। तो एल का मान कितना है बाबू, 22, बी का 20, एच का पता नहीं, पाई का 22 बटे 7, आर कितना है बेटा 1 गुणे 1, एच कितना है 3.5, तो एच बराबर कितना होगा 22 गुणे 1 गुणे 1, एक ही होता है बेटा 3.5, बटे में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 7 गुणे 22 गुणे 20, ठीक है बाबू, 22 से 22 कैंसिल। अब क्या होगा बेटा, एच बराबर देखना 3.5 है, 3.5 को 35 लिख दो, ठीक है, और कुछ बचा नहीं नीचे, 7 गुणे 20, और बेटा दशमलव हटाए हैं तो नीचे 10 से गुणा होगा, हो जाएगा। यहाँ पे करोगे बेटा इससे कैंसिल, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, एच बराबर 1/40 मीटर, सेंटीमीटर में पूछा है बेटा, 1/40 ही आएगा लगभग ना, और क्या पूछा है बेटा इसको, सेंटीमीटर में पूछा है। तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, इसमें एच बराबर 100 से गुणा कर दो, 1/40 × 100, ये हो गया सेंटीमीटर, इससे कैंसिल, और लगभग बेटा 10/4, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, एच बराबर आएगा लगभग बेटा 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। इसी के साथ यह प्रश्नावली 13.3 हो गया बाबू खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराए, ठीक है। थैंक यू सो मच।